हेलो बच्चों, मैं आपकी एसएसटी की टीचर फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम आपकी हिस्ट्री में लेसन नंबर 5 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ठीक है, इसकी रीडिंग करेंगे। तो आपको पता है कि हिस्ट्री में जो है वो हर लेसन, कोई भी चैप्टर हो आपका, वो एक कहानी से शुरू होता है। ये आपको पता है। आप देखो कि आपके हर चैप्टर में एक छोटी सी कहानी दी हुई होती है, उसके बाद उस चैप्टर की शुरुआत होती है। और आपको ये भी पता है कि हिस्ट्री जो है वो पीछे से, या हिस्ट्री का मतलब ये इतिहास, यानी कि पीछे का अध्ययन, यानी कि जो हो चुका उस सब का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे ही पुस्तकालय में मैरी, जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मैरी सोचने लगी, वेद क्या हैं, चलो पता लगाएं। तो हम देखते हैं कि वेद क्या हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद जो हैं वो चार हैं। कितने हैं बच्चों? चार। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है बच्चों, वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में जो है 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्त। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति में रचे गए हैं। इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, जिसे सोमरस बोलते हो आप, वो वाला सोम। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, यानी कि जो हम स्कूल में संस्कृत पढ़ रहे हैं आज, वो वाली संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न है, जो वेदों की भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत और अन्य भाषाएं, संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय, यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखें, यानी जो संस्कृत में जब माँ जो शब्द है वो हिंदी का है, अब उसको संस्कृत में बोलेंगे तो मातृ और अंग्रेजी में बोलेंगे तो मदर और हिंदी में बोलेंगे तो माँ, यानी कि शब्द एक ही है लेकिन जैसे संस्कृत के अकॉर्डिंग, यानी कि भाषा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएँ ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। नेक्स्ट है आपका, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। ऋग्वेद जो है उसका उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, पढ़ा नहीं जाता। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, यानी 200 साल पहले ये छपने लगा था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेद्दाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। जो आपको ये दिख रहा है विश्वामित्र और नदियां, जो टॉपिक लिखा हुआ है ऊपर, और उसमें विश्वामित्र, फिर नदियां, फिर विश्वामित्र नदियां, ये जो है ये
ऋग्वेद से ही उठाया गया है इन्होंने, और ये ऋग्वेद का सूत्र है। और ये विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद हुआ है उसका एक अंश दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना जो आपको ये दिख रहा है इधर साइड में, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। आपको ये पहले आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था हमने पहले लेसन में ये, कि जो वो सॉरी जो पांडुलिपियाँ हैं वो किससे, भुज नामक वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी या उससे बनाई जाती थी। और ये भुज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट आपको देखते हैं, एक सूक्त या संवाद दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लेना अपने आप से। ठीक है, क्योंकि इसमें नदियाँ, दो नदियाँ जो आपको बताया, कौन कौन सी नदियाँ, व्यास और सतलुज, और विश्वामित्र का संवाद है जो कि ऋग्वेद में है, उस वो बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में बताया गया है कि मतलब मवेशियों, घोड़ों और पुत्रों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशी मतलब होता है पशु जो आप घर में पालते हैं। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी हल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तो कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। आज हम हवन में आहुति देते हैं, वही पहले टाइम यज्ञ, यानी कि हवन का मतलब भी यज्ञ होता है, उसमें आहुतियाँ जो दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी युद्ध को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्री लिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। अब आज हमने लेसन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, ऋग्वेद के बारे में, कि ऋग्वेद में क्या होता था, कैसे हवन होता था, कैसे पूजा होती थी, इन सब के बारे में, कैसे स्त्री पुरुष को कैसे बांटा गया है उनको, यानी कि विशेषताओं के आधार पर ये सब के बारे में बात की गई है। ठीक है।